आइए अब हम आते हैं आर्टिकल 44 पर। आर्टिकल 44 में ये दिया गया है, द स्टेट शैल एंडेवर टू सिक्योर फॉर द सिटीजंस अ यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। लेकिन सबसे पहली बात, इसमें ये नहीं दिया है दैट द सुप्रीम कोर्ट शैल एंडेवर, इसमें दिया गया है द स्टेट शैल एंडेवर। इसके बैकग्राउंड में जाना होगा। हम देखते हैं कि पार्लियामेंट बनने से पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी जिसे ब्रिटिश ने बनाया था। 1946 से लेकर 1950 तक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बाकी रही। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर कई सारे डिबेट्स और डिस्कशंस हुए जिसके अंदर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पास किया गया। जब आर्टिकल 44 आया उस वक्त पर, उस जमाने में भी एक बहुत बड़ा डिस्कशन और आर्ग्यूमेंट हुआ था। आप देखेंगे कि ये डिबेट्स पार्लियामेंट की वेबसाइट पर मौजूद है और वो डिबेट्स के अंदर बाबा साहेब अंबेडकर का स्टेटमेंट मौजूद है। उन्होंने कहा था, इट डज नॉट से दैट आफ्टर द कोड इज फ्रेम्ड द स्टेट शैल एनफोर्स इट अपॉन ऑल सिटीजंस मेरली बिकॉज दे आर सिटीजंस। यानी कि ये कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड, सिटीजंस के ऊपर एनफोर्स नहीं किया जाएगा।